ईटिंग बनाया। चलिए यारी रबर बैंड पकड़िए। बाबू लगभग मेरे बराबर हो गया है भाई। हाँ हाँ, तो मैं जब ऐसे खड़ी होती तो बाबू मैं दिखती ही नहीं हूँ। अनाया अनाया, चोटी बांध दिया करो अपने आप। बाबा नहीं बांध पाते हो? लग रही है। हाँ तो हर्ट तो होगा ही ना, उलझे उलझे बाल है ना। आज मैंने भी देखी येलो येलो, कहाँ गया देखी। ये मैं लगाया छुट्टी में होता ना तो मुझे फिर लोगों को लगता है हमारे पास क्या क्या है। हाँ तो आज ये कहाँ पीछे रह जाएंगी। अनाया की तो वैसे भी आदत है ना, मम्मा ने जो कुछ किया है वो तो अनाया को करना ही करना है। ये अनाया चलो दे मुझे, जल्दी से दे यार रबर बैंड। यस बेटा, क्या था फनी? सो हमने दोनों ने एक ही जैसा मान लिया है। दोनों लोग को बताइए किसका सुंदर लग रहा है। पता नहीं आपको कुछ दिख रहा है कि नहीं। बस अब चलो मैं किचन में। चलिए भिगा देते हैं अपनी बूंदी रायते में। मैं रायता बहुत सिंपल बनाती हूँ और आज का रायता मैं बना रही हूँ मट्ठे में, दही में नहीं। तो फुल हो गया पूरा। थोड़ी सी डाल देती हूँ बूंदी। मैं बूंदी यूज़ करने के बाद में इसको सील पैक करके रख देती हूँ। तो थोड़ा सा इसको कट कर लेते हैं और फिर से इसको पैक करके रख देंगे। थोड़ी सी गिर गई, बस थोड़ी सी बूंदी डालूंगी और डाल दूंगी थोड़ा सा अपना पिसा हुआ नमक। डाल देती हूँ मैं अपना घर का पिसा हुआ थोड़ा सा मसाला चटपटा सा और थोड़ा सा सॉल्ट। बस रेडी है मेरा रायता और इसको हम रख देंगे फ्रिज में। यस, देती हूँ इसे फ्रिज में। रिफाइंड में रखती नहीं हूँ क्योंकि आज पूरी बनानी थी इसलिए मैंने रिफाइंड मंगाया है। तो चले तो यार कट हो गया इसमें ही गया। फिल कर लेते हैं अपना ऑयल, इसमें जितना हमें यूज करना है बाकी हम रख देंगे। ऑलमोस्ट आ ही गया है, थोड़ा सा फिर भी मैं बचा के रख देती हूँ इसको। अभी तो मेरे पास काम है, ट्रिक है, मैं इसमें करके रख दूंगी। ऐसे करके तो फैलेगा भी नहीं, सबके पास ही ट्रिक्स होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस चढ़ा लेते हैं कढ़ाई। बस कढ़ाई गर्म हो रही है, कढ़ाई गर्म हो चुकी है। डाल देते हैं ऑयल, बहुत ज्यादा नहीं डालूंगी मैं, जितना यूज करना है उतना ही डालूंगी कि बार बार पका हुआ ऑयल बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। चलिए जब तक ऑयल गर्म हो रहा है तब तक बेल लेते हैं पूड़ियां। हमें जितनी पूरी खानी है ना हम दोनों को बस उतनी बनाएंगे, आटा बचेगा तो रख देंगे। और ऐसा नहीं है कि इस आटे की रोटी नहीं बनती, रोटी भी बनती है, मैं बना लेती हूँ अगर आटा बचता है तो। ये नहीं है कि पूरी का आटा है तो पूरी ही लगाऊ मैं। अब मैं कैमरा इधर सेट करूंगी दिखाऊंगी तो भाई बहुत टाइम लगेगा, तो बस मैं डायरेक्टली ऐसे दिखाई दे रही हूँ आप लोगों को। बहुत टाइम लगता है भाई एडिटिंग में, सबको लगता है बहुत इजी है, नहीं कैमरा कभी यहाँ लगाओ कभी इधर रखो कभी उधर रखो। तो बस जल्दी जल्दी से व्लॉग्स दिखाने का मेन मकसद यही होता है कि आप डेली लाइफ में क्या करते हो, और सबका अपना अलग अलग कल्चर होता है। तो हम इंडियंस का ये कल्चर है कि हम क्या करते हैं रूटीन लाइफ में अपने, तो हम वही शो करते हैं आपको। कुछ भी बनावटी नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम शो ऑफ के लिए कुछ चेंज मेंट करते हो, नहीं। जैसा रहना है, जो कपड़े घर में पहनने हैं, जिस तरीके से रहना है वही रहना है। मैंने बताया था मैं नया शर्ट नहीं प्रेस करी, ज़रूरी नहीं है कि ये काम स्किप कर सकते हैं ना, और चीज़ें जो ज़रूरी है वो हम करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि। और हम इंडियंस ये भी करते हैं, आई चेक करने के लिए थोड़ी सी ऐसे आटे की लोई डाल देते हैं। अभी लगता है कि अच्छे से पक गई है तो फिर हमारा हीट हो गया है,
लेकिन इसको ज्यादा देर तक इसमें मत रखिए। मैं एक बार सबक ले चुकी हूँ, मैंने गोल गोल करके डाल दी थी, आप ही डालिएगा तो चपटी करके डालिएगा। गोल ना जो एकदम थी वो उसमें एयर बनी इतनी जोर से वो बस्ट हुई कि मेरे चेहरे पे आ गई थी, तो मैंने उस चीज से सबक लिए कि दोबारा भाई मैंने ये काम नहीं किया है। चलिए ऑयल हो गया गर्म, तल देते हैं अपनी पूड़ियाँ। पूड़ियाँ मैंने बेल ली हैं, चलिए इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तेल हो गया बहुत अच्छे से हीट, धीरे धीरे करके सारी पूड़ियाँ निकाल लेते हैं। जगह है तो दो दो पूड़ियाँ डाल लेती हूँ मैं। गिनी चुनी पूड़ियाँ बननी है क्योंकि मुझे और अनाया को ही खाना है। दो और बेल लेती हूँ क्योंकि अनाया तो खाएगी अच्छे से और भूख भी लगी है, टाइम भी हो गया है हमारा खाने का। बहुत ही अच्छी से स्मेल आ रही है क्योंकि इसमें पड़ी है कसूरी मेथी भी। चलिए बना लेते हैं और पूड़ियाँ। बन चुकी है मैं गर्मा गर्म पूड़ियाँ, चलिए लगा लेते हैं प्लेट। तो लगा लेते हैं अनाया की प्लेट। इसकी प्लेट लगाने से पहले हम कट कर लेंगे अनाया के लिए कुकुम्बर। देखते हैं करूँ तो नहीं है। वैसे तो हम लोग कुकुम्बर जो है बाद में खाते हैं, लेकिन क्योंकि पूड़ी है तो उसके साथ में कुछ हाईली फाइबर जाना चाहिए। थोड़ा सा मैं उसको ये भी कट करके दे देती हूँ, बाकी ये मैं बाद में खा लूँगी। यस, अनाय को कुकुम्बर पसंद है। वैसे लगा लेते हैं अनाय की प्लेट, पहले अनाय को दे देती हूँ। बाबा हैप्पी अभी गर्म है, गर्म है, गर्म है। वेट वेट वेट, मैट किधर है आपकी? मैं देती हूँ। सो जब तक अनाया का खाना ठंडा हो रहा तब तक मैं अपनी प्लेट लगा रही हूँ। मेरी प्लेट में अंतर ये है कि मेरी प्लेट में रायता और अनाया के प्लेट में है कुकुम्बर। अनाया रायता नहीं खाती है, तो चले टेस्ट करती हैं अनाया और बताती हैं कि मम्मा ने कैसा है बनाया। क्या रैंक बन गई जी, दम बन गई। क्या कर रही है स्टार्ट और देंगी रिव्यू कि आज मम्मा पतला है। हो गया होगा पतला, मैं खा लूं। अच्छा खाओ खाओ, चलो शुरू करो जल्दी से, जल्दी से बताओ। भूखा लगी है ना आपको? ठंडी कौन सी, सब ठंडे हो गए बेटा, मैं ठंडा करके लाई हूँ बिल्कुल आपके लिए। अच्छा स्पाइसी है, अभी देती हूँ पानी। आज मम्मा से बन गया स्पाइसी, इसके लिए मैं बोलती हूँ सॉरी अनाया। आज मैंने लेमन भी नहीं डाला, शायद इसलिए आपको ज्यादा कड़ू लग रहा है। अभी डालो। अच्छा बाबा अभी डालती हूँ। चले हम लोग करते हैं अपना लंच। मैं खा के बताती हूँ कैसा बना है सच में। चटपट है, स्पाइसी है, यम यम। ठीक है बाबू, पहले लग रहा था अब नहीं लग रहा है। थोड़ा थोड़ा लगा के खाइएगा। रायता के रात में तो बहुत मजेदार लग रहा। ओके, जबरदस्त ठंडा ठंडा सा बूंदी का रायता,
आलू टमाटर की सब्जी। होप्स हो कि आपने लंच कर लिया होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड लव। कीप वॉचिंग, कीप शावरिंग योर लव लाइक वाइज। बी हैप्पी ऑलवेज, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। बाय बाय एवरीवन। बाय।